हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC व्यापम हब। आज हम आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया जाएं और मेरा पिछला वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आपको आगे आज जो मैं आदिवासी विद्रोह बता रहा हूँ वो समझ आएगा। मूलतः जितने भी आदिवासी विद्रोह आज हम पढ़ेंगे वो काकती वंश से रिलेटेड रहेंगे। काकती वंश में बहुत से विद्रोह हुए, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला विद्रोह है हलबा विद्रोह। तो देखिए हलबा विद्रोह, तो इस हलबा विद्रोह में देखें तो हलबा विद्रोह 1774 से 1770 ईस्वी के मध्य था। हलबा विद्रोह मूलतः देखा जाए तो दरियादेव और अजमेर सिंह के मध्य हुआ था, दोनों ही उत्तराधिकारी के। तो चलिए देखते हैं इस विद्रोह के बारे में कुछ फैक्ट। इसका नेतृत्व करता था खुद अजमेर सिंह। किसके शासनकाल में हुआ, तो उस समय काकती वंश के राजा अजमेर सिंह ही राजगद्दी पर विराजमान थे और अजमेर सिंह ही इसके नेतृत्व कर रहे थे। स्थान था डोंगर, जो कि कोंडा गांव का क्षेत्र था। ये कहा जा सकता है कि प्रथम आदिवासी विद्रोह है, और इसका कारण था दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध। परिणाम ये हुआ कि सन 1770 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है और दरियादेव काकती वंश का राजा बन जाता है। उसके बाद सन 1777 से दरियादेव शासन करता है और 6 अप्रैल 1778 में कोटपाल की संधि हो जाती है। इस प्रकार से हलबा विद्रोह का ये परिणाम निकलता है। कारण भी आपको मालूम हो गया, परिणाम भी आपको मालूम चल गया, नेतृत्वकर्ता भी पता चल गया और कब हुआ ये पता चल गया। बस इतने ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, नेतृत्वकर्ता, परिणाम, कारण, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं पर्लकोट विद्रोह की। तो अब बात करते हैं पर्लकोट विद्रोह की। पर्लकोट विद्रोह हुआ था सन 1825 ईस्वी के मध्य में। पर्लकोट विद्रोह का जो शासन था उस समय काकती वंश के शासक महिपाल देव के समय यह विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में हम देखें नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। गेंद सिंह जो कि पर्लकोट के जमींदार थे। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो ये उत्तर बस्तर कांकेर का एक पखांजूर के आसपास का ग्राम है, वहाँ पे हुआ था ये विद्रोह। इस विद्रोह में हम बात करें स्थान की, तो स्थान पखांजूर के पास, और स्थान के बाद हम बात करते हैं इसके नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह। नेतृत्वकर्ता के बाद हम बात करेंगे इसके कारण की। तो देखिए कारण या उद्देश्य, हम अगर इस पर बात करें तो चूंकि महिपाल देव के समय जाहिर सी बात है ब्रिटिश शासन और मराठों का प्रभुता बस्तर क्षेत्र में था, और उनके कारण देखें तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जिससे कि अबूझमाड़ियों और बहुत से आदिवासियों के लिए ये उनके जो पारंपरिक त्यौहार है उन पर ये बाधक बन रहे थे। इसके कारण जो गेंद सिंह है उन्होंने अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्ति दिलाने और जो विदेशी बोल सकते हैं शासन कर रहे थे उससे इनको स्वतंत्र कराने के कारण ये विद्रोह किया। तो कारण स्पष्ट है कि वे अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे, और दूसरा कि वे उनको विदेशी सत्ता या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना चाहते थे, ऐसा कहा जा सकता है। इसका कारण था, नेतृत्वकर्ता भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके युद्ध कैसे हुआ। तो गेंद सिंह ने जो पर्लकोट नामक गांव है वहां पे अबूझमाड़ियों को इकट्ठा कर विद्रोह के लिए इकट्ठा किया और वे विद्रोह करते गए। ये बात कहां तक, उस समय जो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, एगेन्यू तक पहुंच गई। तब जो एगेन्यू है वो क्या करता है, चांदक के पुलिस अधीक्षक पेवे को इसकी सूचना करता है, और पेवे वहाँ पे जाके इस विद्रोह का दमन करता है। दमन कैसे हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के पास बंदूक और अन्य हथियार था, जबकि आदिवासियों के पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं था, जिसके कारण वे विद्रोह में पिछड़ गए और उनकी हार हो गई। इस प्रकार पर्लकोट विद्रोह को पेवे ने दबा दिया। दमनकर्ता पेवे है, जो कि एगेन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था, और जो कि चांदा का पुलिस अधीक्षक था। कहा जाता है कि इसमें चांदा के जो जमींदार है
उसका भी सहयोग लिया गया था। ये तो हो गए इनके बोल सकते हैं दमनकर्ता की। अब दमनकर्ता के बाद हम बात करते हैं कि परलकोट जो दमनकर्ता के अब इनको पकड़ लिए गेंद सिंह को पकड़ने के बाद सन 1825 में 20 जनवरी सन 1825 में गेंद सिंह को फांसी दे दी गई और हलबा विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस प्रकार 1825 में हलबा विद्रोह ख़त्म हो गया। तो यहीं से इनके फैक्ट है। सबसे पहले हम फैक्ट की बात करें तो शासक थे महिपाल देव के बाद इनके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। स्थान था परलकोट कांकेर वाला भाग, परलकोट के पास ग्राम है। इसके बाद कारण था अभुजवाड़ियों को शोषण से मुक्त करना व इनको विदेशी क्षेत्रों से क्या करना, विदेशी जो शासन कर रहे थे उनसे मुक्त करना। एक प्रतीक चिन्ह था जो कि धावड़ा वृक्ष की टहनियाँ थी। दमनकर्ता था पेबे जो कि एगेन्यू के द्वारा नियुक्त था, जो कि चांदा का पुलिस अधीक्षक था। परिणाम ये हुआ कि इसको गेंद सिंह को फांसी हो गई और गेंद सिंह को इसी कारण बस्तर का प्रथम शहीद कहते हैं। पूछ सकता है कि बस्तर का प्रथम शहीद किसको कहते हैं, तो गेंद सिंह को कहते हैं। इस प्रकार से ये परलकोट विद्रोह हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं माड़िया विद्रोह की। तो अब बात करते हैं मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, जो कि 1842 से 1863 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस समय शासन कर रहे थे भूपाल देव, काकती वंश के राजा भूपाल देव। इस समय की घटना है, यहाँ की यात्रा कर रहे थे बस्तर की, तब उन्होंने सुना कि यहाँ बस्तर क्षेत्र में नरबली प्रथा की जाती है दंतेश्वरी मंदिर में। तब उन्होंने वहाँ के राजा भूपाल देव से इस बारे में पूछा, तब भूपाल देव ने नहीं मालूम ऐसा करके बताया। परंतु इसकी जांच के लिए जो ब्रिटिश अधीक्षक है उन्होंने मैकफर्सन को भेजा और उन्होंने जांच में पाया कि हाँ यहाँ नरबली प्रथा होती है और जिसको नरबली दिया जाता है उसे मेरिया कहते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ब्रिटिश शासकों ने वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर के सामने एक सैनिक टुकड़ियाँ रख दी, जिससे पहली बार आदिवासियों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण हिड़मा मांझी नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया और उन्होंने जो मेरिया विद्रोह है उसका विद्रोह किया, वहाँ के जो सैनिक है उनको हटाकर। इस बात की जैसी ही सूचना मिली वहाँ के दीवान वामन राव को, उन्होंने रायपुर के तहसीलदार शेर खां को बुला लिया और इस विद्रोह का दमन करवा दिया। इस प्रकार से ये विद्रोह हुआ। तो हम इसी से हम फैक्ट जानते हैं कि सबसे पहला है कि यहाँ का जो शासक है वो था भूपाल देव, यहाँ जो स्थान था वो दंतेवाड़ा है, नेतृत्व करता था हिड़मा मांझी, कारण था नरबली प्रथा को समाप्त करने के विरोध में, और जांच करता था मैकफर्सन, विद्रोह का दमन किया वामन राव जो दीवान था और शेर खां जो रायपुर का तहसीलदार था उसको वो आमंत्रण किया और उन्होंने मेरिया विद्रोह का दमन किया। इसके बाद भूपाल देव की शासन काल में एक और विद्रोह हुआ, तारापुर विद्रोह। तो हम बात करते हैं तारापुर विद्रोह की। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 ईस्वी के मध्य चला। तारापुर विद्रोह तारापुर नामक जगह में चला। तारापुर विद्रोह भूपाल देव के समय हुआ और तारापुर का जो जमींदार था वो है दलगंजन सिंह, जो कि भूपाल देव का छोटा भाई था। हुआ ये कि एक समय तारापुर नामक जगह में मराठा के आदेश से भूपाल देव ने वहाँ का कर बढ़ा दिया, जिसकी वसूली वहाँ का जो दीवान है जगबंधु के ऊपर दिया और जगबंधु ने वहाँ का कर वसूला, जिसकी वजह से आदिवासी बहुत ही भयभीत थे और उनको उनके निजी जीवन में क्या किया, हस्तक्षेप किया। तो हुआ ये कि जब दीवान वहाँ कर वसूलने आया तो आदिवासियों ने उसे कैद कर लिया। इस बात की सूचना जैसे ही मराठों को पड़ी, मराठों ने भूपाल देव से कहा और भूपाल देव के हस्तक्षेप के बाद जगबंधु को छोड़ा गया। जगबंधु तुरंत छूटने के बाद
मराठा के पास गया, मराठों के पास, और मराठों से आग्रह किया कि आप इसे इस विद्रोह को शांत करिए। तब वहाँ की वो जो है सेना लेके पहुँच जाता है और वहाँ इस विद्रोह का दमन कर देता है। दलगंजन सिंह गिरफ्तार हो जाता है इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता होता है और इस विद्रोह को समाप्त हो जाता है। इसके बाद हुआ ये, इसका परिणाम क्या निकलता है, जो मेजर विलियमसन है उन्होंने बढ़े हुए कर को वापस ले लिया और जो दीवान जगबंधु है उसको वहाँ से हटा दिया। तो इसका ये कारण उद्देश्य, इसका जो नेतृत्व करता था, इस किसके शासनकाल में हुआ, बस आपको यहाँ से यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम इन्हीं के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि शासक भोपाल देव, स्थान तारापुर बस्तर, नेतृत्व करता दलगंजन सिंह, कारण आदिवासियों की जीवन शैली में हस्तक्षेप, या बोल सकते हैं कि जगबंधु को हटाने और बढ़े हुए टैक्स को वापस लेने के लिए। परिणाम ये हुआ कि मेजर विलियमसन ने बढ़े हुए कर को वापस ले लिया। तो ये है मेरिया विद्रोह, जो 1842 से 1854 ईस्वी के मध्य चला। तो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लिंगागिरी विद्रोह की। लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह 1856 ईस्वी के मध्य हुआ। इस समय शासन था भैरमदेव, नेतृत्व करता था धुरवाराम माड़िया जो कि डोरला जनजाति का था। स्थान था बीजापुर के लिंगागिरी क्षेत्र में। हुआ ये कि जैसे ही इस समय 1856 ईस्वी के मध्य में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और बोल सकते हैं कि मराठा हार गए, पराजित हो गए, जिसकी वजह से नागपुर जो है वो नागपुर आपका ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया, ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण में आ गया। तो नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, जिससे छत्तीसगढ़ भी हमारा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया। इसी का विरोध करने के लिए कि ब्रिटिशों का हमें नियंत्रण नहीं चाहिए, इसका विरोध करने के लिए जो लिंगागिरी के तालुका है जो कि भोपालपट्टनम में पड़ता है, तो लिंगागिरी के तालुका जो तालुकाधिपति वो थे ध्रुवाराम माड़िया। ध्रुवाराम माड़िया जो कि डोला जनजाति के थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया और ये विद्रोह हुआ जिसमें जो ध्रुवाराम माड़िया है वो पराजित हो गए और अंग्रेज़ों ने इसको पूर्णतः दबा दिया, इस विद्रोह को। इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है और ध्रुवाराम माड़िया को दूसरा बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। तो यही है, अब इसमें फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि शासक था भैरमदेव, स्थान था लिंगागिरी बीजापुर, नेतृत्व करता थे ध्रुवाराम माड़िया जो कि आपका नेतृत्व करता थे, कारण था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में और इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। तो यह है आपका लिंगागिरी विद्रोह। इसके बाद हम बात करते हैं कोई विद्रोह। अब बात करते हैं कोई विद्रोह जो कि 1859 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें भी शासक भैरमदेव था और ये भी बीजापुर में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे आपके नांगूर दोरला जो कि फोते कला के जमींदार थे। हुआ ये, इसका जो कारण बोल सकते हैं, अंग्रेजों की गलत वन नीति के कारण ये इन्होंने विद्रोह किया। जब अंग्रेज़ों ने इस समय ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ किया, उन्होंने व्यापार के लिए वनों में साल वृक्ष जो है उनकी कटाई प्रारंभ की, जिसका इन्होंने विद्रोह किया। और फतेहकला के जो जमींदार हैं वे और भोपालपट्टनम के जमींदार और भेज्जी के जमींदार, इन्होंने तीनों ने आपस में निर्णय किया कि इस अब एक भी जो है साल वृक्ष कटने नहीं देंगे और ये खबर इन्होंने ब्रिटिशों के मध्य पहुंचा दी। तो तब ठेकेदार जब वन में आए तो वे बोल सकते हैं कि सैनिक ले के आए, अपने साथ बंदूकधारी सैनिक ले के आए। इसको देखते हुए इन भेज्जी, फोते कला और भोपालपट्टनम के जमींदार तीनों ने आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और उनका जो सैनिक है उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और नारा दिया, एक सर के पीछे एक वृक्ष। क्या नारा दिया? एक वृक्ष के पीछे एक सर का नारा दिया, एक वृक्ष के पीछे एक सर का नारा दिया उन्होंने। इसके बाद बोल सकते हैं कि ये इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी हार आदिवासियों के समक्ष मान ली। ये पहला ऐसा केस है
कि जब अंग्रेजों ने अपनी हार आदिवासियों के समक्ष मान ली। ये प्रथम पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्रोह था। इससे ये दर्शाते हैं कि आदिवासी पर्यावरण के लिए कितने ही एक्टिव थे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फैक्ट की। तो देखिए, शासक था भैरमदेव, स्थान बीजापुर, नेतृत्व करता था नांगुरदोला जो फोतेकला का जमींदार था, उद्देश्य है साल वृक्ष की कटाई को रोकना था, सहयोग है भेज्जी के जमींदार और भोपालपट्टनम के जमींदार। भेज्जी के जमींदार का नाम था रामे भाई और भोपालपट्टनम के जमींदार का नाम था जग्गीराज। इस प्रकार से ये इन लोग ने सहयोग दिया। प्रतीक था एक वृक्ष के पीछे एक सर, इसका जो नारा बोल सकते हैं। तो आप लोग ये तीनों याद रखिए। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एक वृक्ष एक के पीछे एक सर किस विद्रोह का नारा था। फिर पूछ सकता है कि कोई विद्रोह का नेता नेतृत्वकर्ता कौन था, कोई विद्रोह जब हुआ तो उस समय काकती वंश का शासक कौन था और इसका उद्देश्य क्या था। बस यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मुड़िया विद्रोह की। मुड़िया विद्रोह के बारे में बात करें तो मुड़िया विद्रोह 1876 ईस्वी में हुआ था। इसमें शासक भैरमदेव था, स्थान बस्तर था, नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा था। कारण ये था कि ब्रिटिशों के द्वारा शोषण और गोपीनाथ कपड़ावाला दीवान को दीवान जो बना उसके विरोध में, तो जो गोपीनाथ कपड़दार है वो आदिवासियों को बहुत ही उनका शोषण करता था। इस कारण वे चाहते थे कि गोपीनाथ कपड़दार दीवान न रहे और इसी कारण इनका विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा और कारण आपको पता चल गया। इस दमनकर्ता कहा जा सकता है इस विद्रोह के मैक जॉर्ज थे। मैक जॉर्ज ने हुआ ये कि 2 मार्च 1876 को पूरे आदिवासियों ने जगदलपुर का जो महल है उसको घेर लिया और इस दिन यहाँ को इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब जैसे ही ये बात मैक जॉर्ज को वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को पता चली, वे तुरंत आए और 8 अप्रैल को 1876 को मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1876 को मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये है आपका मुड़िया विद्रोह। अब हम बात करते हैं भूमकाल विद्रोह। तो ये है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ। भूमकाल विद्रोह के समय काकती वंश के शासक थे रुद्र प्रताप देव। इस समय स्वर्ण कुमार देवी और लाल कारिंद्र सिंह के द्वारा ताड़ोगी ग्राम में सभी आदिवासियों को इकट्ठा कर इस विद्रोह को किया गया। इस विद्रोह का क्या कारण था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने आदिवासियों का बहुत ही हस्तक्षेप किया था, जैसे कि उन वे जो आदिवासी शराब बनाते थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया, कभी भी मारपीट दिया। इस प्रकार से बहुत से कारण थे इस विद्रोह के। तो इस विद्रोह को लाल कालिंद्र सिंह और स्वर्ण कुमारी देवी जो रानी हैं उनके नेतृत्व में जो है उन्होंने गुंडाधुर के नेतृत्व में इस विद्रोह को प्रारंभ किया, जो कि पुष्पाल बाजार से प्रारंभ हुआ। लेकिन सोनू मांझी की मुखबिर से गुंडाधुर पकड़ा गया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह का प्रतीक जो है वो आम वृक्ष की टहनी है और बोल सकते हैं कि नारा है कि बस्तर बस्तर वासियों का है। दमन करता थे डी ब्रेड व गेयर। तो शासन किसका था, रुद्र प्रताप देव का था, स्थान बस्तर था, नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे जो कि नेतनार के जमींदार थे। कारण था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा शोषण के विरोध में। प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी व लाल मिर्च व धनुष बाण। प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च और धनुष बाण। प्रारंभ हुआ था पुष्पाल बाजार से, मुखबिर सोनू मांझी के द्वारा हुआ था। नारा था बस्तर बस्तर वासियों का है और दमन करता डी ब्रेड व गेयर। तो इस प्रकार से हमने आदिवासी विद्रोह को देखा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।